राजकीय वल्लभ महाविद्यालय में छात्रों की काफी अरसे से चली आ रही लाइब्रेरी की समस्या हल हो गई है। कॉलेज परिसर में अब छात्रों को पढ़ने के लिए रीडिंग रूम बनाया गया है ताकि छात्र छात्राएं अपना पूरा समय पढ़ाई पर लगा सकें। मंडी कॉलेज में छात्रों की रीडिंग रूम की सुविधा उपलब्ध हो गई है, जिसमें 300 के करीब विद्यार्थी बैठ सकेंगे। रीडिंग रूम बनने से विद्यार्थियों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। अब प्रत्येक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई के लिए सुविधा महसूस कर रहा है। आपको बता दें कि पहले लाइब्रेरी में थोड़ी संख्या में ही विद्यार्थी बैठ पाते थे, जिस कारण अन्य विद्यार्थियों को लाइब्रेरी की सुविधा से वंचित रहना पड़ता था। लाइब्रेरियन सुदेश ने बताया कि कॉलेज के छात्रों की रीडिंग की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की रुचि प्रतिदिन पढ़ाई में बढ़ती जा रही है, उसी को लेकर रीडिंग रूम बनाया गया है। उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी में पहले 200 के करीब विद्यार्थी बैठ सकते थे, लेकिन अब रीडिंग रूम बनने से काफी संख्या में विद्यार्थी बैठ सकेंगे। उन्होंने बताया कि कॉन्फ्रेंस हॉल को रीडिंग रूम बनाया गया है, जिसमें 300 के करीब विद्यार्थी बैठ सकते हैं। वहीं लड़कियों की काफी अरसे से मांग थी कि उनके पढ़ने के लिए अलग रूम होना चाहिए, जिससे छात्रों को उपलब्ध करवा दिया गया है। तो यहाँ बच्चों की बहुत जो रीडिंग हैबिट है, बच्चों की डे बाई डे बढ़ रही है, उसको देखते हुए हमारे जो प्रिंसिपल साहब ने, उन्होंने भी बहुत इंटरेस्ट लिया। और इसके नीचे जो हमारा है तो रीडिंग रूम था, लेकिन उसमें अभी कैपेसिटी कम थी, कम से कम 200 बच्चे जो हैं एट ए टाइम पढ़ सकते थे। लेकिन बच्चों का रुझान जो रोज पढ़ाई के लिए डे बाई डे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए जो हमारा कॉन्फ्रेंस हॉल था ऊपर, उसको अब रीडिंग रूम में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, जिसमें कि बच्चे कम से कम 300 के लगभग जो है बच्चे बैठ सकते हैं। और उसके साथ साथ अभी अभी जस्ट हमारा गर्ल्स का जो था, वो थोड़ी डिमांड थी गर्ल्स की कि हमें सेपरेट रीडिंग रूम जो है वो प्रोवाइड किया जाए। तो उसके लिए प्रिंसिपल साहब ने भी बढ़ाया, मैंने भी रिक्वेस्ट की सर से कि सर ऐसा हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बच्चे हैं कुछ ऐसे हैं जो अलग से थोड़ा उसमें एटमोसफेयर में पढ़ना चाहती हैं, तो उनको अब अलग से जो है वो एक जिसमें 60 या 70 के आसपास जो लड़कियां हैं वो बैठ के अपना आराम से जो है रीडिंग कर सकते हैं। तो बच्चे उसमें अपना कंपटीशन की तैयारी करते हैं और अपना भी स्टडी से रिलेटेड जो है वो तैयारी करते हैं। तो ये बड़ा बच्चे भी बड़े खुश हैं। तो चलो मैं भी प्रिंसिपल साहब का थैंक्स करना चाहूँगी कि उन्होंने बच्चों के इंटरेस्ट को देखते हुए स्टेप लिया। वहीं कॉलेज की छात्रा सुषमा ने बताया कि लड़कियों के लिए अलग रीडिंग रूम बनाया गया है, जिससे छात्राएं बेहद खुश हैं। कि हमारे प्रिंसिपल सर ने और मैम ने रिक्वेस्ट की प्रिंसिपल सर की सर से कि यहाँ लड़कियों के लिए अलग रूम रखें, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने अलग रूम रखा लड़कियों के लिए, और कमेटी का भी मतलब धन्यवाद करती हूँ मैं। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, माहौल भी बहुत अच्छा है, हर चीज फैसिलिटी दी हुई है हमारे को, हर एक लड़की को, और बहुत अच्छा लग रहा है हमारे को।